अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज हम बनाने लगे हैं ऑरेंज आइसक्रीम और चॉकलेट आइसक्रीम। बहुत ही इजी है, बहुत मजे की बनती है, जरूर ट्राई करें। सबसे पहले क्या करना है, एक बेस तैयार करनी है आइसक्रीम की। उसके लिए हम एक बड़े बाउल में आइस क्यूब ले लेंगे, उसके ऊपर एक छोटा बाउल रखेंगे। बाउल जो है वो जो ऊपर हमने रखा है वो भी ठंडा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने ऑलपर्स की डेरी क्रीम ले ली है और इसको बीट करेंगे। टोटल बीटिंग टाइम जो है वो कम रखिएगा। जैसे ही आपको उसके फ्लेक्स मिल जाती हैं तो इसको बीटिंग को रोक दें, क्योंकि ओवर बीट से ये बटर भी बन सकता है। ये कन्फेक्शन शुगर है या आइसिंग शुगर ले लें आप लोग। 2 टेबल स्पून इन टोटल डलेगी। पहले 1 टेबल स्पून डाला है मैंने और इसको बीट किया है। ये बाकी का जो रह गया था 1 टेबल स्पून वो डाल के और इसको 4 से 5 मिनट और बीट करें तो स्टिफ पीक्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। बीट करते ही आपको पता चल जाएगा, जैसे ही वो क्रीम थोड़ी स्टिफ होना शुरू होगी आपने 1 मिनट उसके बाद और बीट करना है और फिर बस। ये मैं इसको इस तरीके से साफ कर लेती हूँ ताकि एक्सेस उतर जाए। ये बेस हमारी तैयार हो गई है। अब क्या करना है, दो तरह की बना रही हैं ऑरेंज और चॉकलेट। तो ऑरेंज आइसक्रीम के लिए क्या करूँगी मैं, इसमें 2 चीज़ें यूज हो रही हैं, एक ऑरेंज का रिडक्शन है और एक कैंडीड ऑरेंज है। बेस को मैंने हाफ कर लिया है, हाफ ऑरेंज के लिए हाफ चॉकलेट के लिए। ऑरेंज रिडक्शन के लिए एक पैन में आपने 2 कप ऑरेंज जूस ले लेना है। उसको आपने स्लो फ्लेम पे रिड्यूस करना है जब तक के आधा कप ना रह जाए। हर थोड़ी देर बाद लाजमी इसको चेक करें, क्योंकि ये एकदम जलना भी शुरू हो जाता है और फिर वो कैरामलाइज होना शुरू हो जाता है, तो इसको रिड्यूस कर लें। और ये आधा कप जब बच गया तो मैंने इसको 1 कप में निकाल लिया है। इतना ही थिक होना चाहिए जितना ये नज़र आ रहा है। उसी पैन में उसको धोए नहीं, क्योंकि उसमें ऑरेंज जूस ही लगा हुआ है। उसमें आपने आधा कप डाल लेना है पानी, उसमें 2 टेबल स्पून चीनी डालें और इसको पकने दें लो फ्लेम पे, लो मीडियम पे, जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए। ये हम बना रहे हैं कैंडीड ऑरेंज। इसके लिए मैंने आधा ऑरेंज लिया था, उसको मैंने बहुत बारीक सा काट लिया, उसका पल्प अलग नहीं किया, वो उसके साथ ही रहने दिया। और इसको जैसे ही वो शुगर मेल्ट हो जाए आपने वो ऑरेंज कटा हुआ इसमें डाल दें और जब तक कि पानी जितना हमने लिया था वो आधा नहीं रह जाता आप इसको हल्की आंच पे पकने दें। और ये इस तरीके से एक अच्छा सा तैयार हो जाता है मिक्सचर। अब ऑरेंज आइसक्रीम की तरफ आते हैं। आधा बेस लिया, उसमें ये मैंने ऑरेंज जेस्ट डाला है 1 टीस्पून, जो तैयार किया था रिडक्शन वो डाल दिया मैंने सारा। जो कैंडीड ऑरेंज तैयार किए थे उसका आधा मैंने यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया है और आधा मैं ऊपर से डाल दूंगी। स्वीटनेस आप चेक कर लें, अगर आपको चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ती मीठे की तो आप ये कंडेंस मिल्क मतलब डालें, नहीं तो आप इससे एडजस्ट करें स्वीटनेस। मुझे कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ये मिल्क डाल दिया है। हर चीज़ को अच्छे से फोल्ड करना है लेकिन बहुत लाइटली, हाथ हल्का रखें, नहीं तो इसमें जो एयर हमने इंट्रोड्यूस करवाई है वो सारी निकल जाएगी और आपकी आइसक्रीम फ्लफी नहीं बनेगी। पैन में ट्रांसफ़र कर दें। ये केक पैन्स मैं यहाँ पे ले लेती हूँ या बर्फ़ जमाने वाले, उसमें ये है कि जल्दी फ्रीज हो जाती है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक या फिर जो ग्लास के आपके होंगी डिशेस, उसमें टाइम लगे। जो कैंडीड ऑरेंज बच गए थे वो मैंने ऊपर से डाले हैं। ऊपर से डालने के बाद आप इस तरीके से ये डालें और कोई भी टूथपिक या स्क्यूअर लेके इसको फोल्ड कर दें। बस फ्रीज होने के लिए रख दें, ओवरनाइट फ्रीज करें। जो अदर दूसरा मेरा बेस था उसमें मैंने कोको पाउडर डाला है। यहाँ पे 2
टेबल स्पून ले लिया था भर के, कंडेंस मिल्क डाल दें स्वीटनेस को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि चीनी हमने क्रीम को बीट करते हुए भी डाली थी। अगर आपको वो ठीक लगती है तो ठीक है, नहीं तो आपने कंडेंस मिल्क से उसकी स्वीटनेस बैलेंस करनी है। इसको अच्छा फोल्ड कर लें अच्छा सा, बहुत हल्के हाथों से। और जो भी आपके पास बिस्किट्स अवेलेबल हैं घर में, चॉकलेट बिस्किट्स हैं या दूसरे कोई भी, आप कोई भी उनको थोड़ा सा हाथ से तोड़ लें इस तरीके से और डाल दें। यहाँ पे मैंने कैंडी बिस्किट्स यूज़ किए थे, एक कप ले लें और उसको फोल्ड करके इसको भी पैन में ट्रांसफर कर दें और फ्रीज होने के लिए रख दें। ओवरनाइट फ्रीज कर लें तो ये बहुत मज़े की तैयार हो जाती है। ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ मुझे बताएं आप लोगों की कैसी बनी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।